मेरी नजर में आप ये तस्वीरें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और कुछ सवाल आपके मन को परेशान करेंगे। आखिर एक छोटी सी मासूम जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की है, उसके पैरों में जंजीर क्यों है? एक बेटी का बचपन आखिर जंजीरों में क्यों जकड़ा गया? तस्वीरें धार्मिक नगरी चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग की हैं। 2 साल की इस बच्ची के पैर हमेशा जंजीरों से बंधे होते हैं। बच्ची के पिता की अभी हाल में ही करंट लगने से मौत हो गई। माँ मजबूर है क्योंकि कमा नहीं सकती, इसलिए बच्ची को देवी का रूप देकर सजाकर चौराहे पर रखा है ताकि लोग बच्ची को पैसे दें और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। तो उसकी माँ ने बांध के रखा है, बांधती नहीं है तो वो कहीं इधर उधर जाती है तो ये भाग जाती है, फिर खोजती रहती है। ये कहीं किसी आदमी मेला चल रहा है तो उसी के पीछे पीछे चली जा रही है, चली जाती है। इसलिए उसको कहीं जाना है टट्टी पेशाब नहाने तो इसको बांध देती है खम्भा में और इसके बाद चली जाती है। इधर रोज रोज बच्ची की हालत देखकर चाइल्ड लाइन के संचालक और समाज सेवी अभिमन्यु सिंह ने बच्ची की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। निश्चित तौर पर ये बच्चे को जंजीर से बांध कर रखना कि माँ की क्या मजबूरी हो सकती है, ये जा करके थोड़ा इस पर काउंसलिंग करनी चाहिए। निश्चित तौर पर एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अभी मैं उससे जाके मिलूंगा, बात करूंगा और जो भी हो सकता है उसको दिलाने की पैरवी करूंगा। कहते हैं कि मजबूरी जो ना कराए वो कम है। हैरत की बात तो ये है कि बच्ची कई दिनों से ऐसा कर रही है। लोग आते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं, लेकिन हाय रे धर्म नगरी का जालिम समाज जो कस्मे तो भगवान राम की खाता है लेकिन रोज 2 साल की बच्ची को देखकर उसे तरस भी नहीं आता। विनोद कुमार, भारत समाचार, चित्रकूट। बाराबंकी से खबर है जहां पर घाघरा की कटान से कई बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। संयुक्त सचिव ने घाघरा की कटान का जायजा लिया है। निधि खरे ने इसका